दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ अभी। जैसे कि आप लोग अगर मेरे पिछले वीडियो देखा है आप लोगों ने तो आपको पता होगा कि मेरे पास अभी कोई सेटअप स्टूडियो नहीं है। सो इसी वजह से अभी मेरे को आउटडोर शूट करना पड़ रहा है और इसी वजह से मैंने चैनल पर वीडियो डालना ही बंद कर दिया था। बट चलिए फालतू की बात है हम साइड में रखते हैं, हम अपने जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट दोस्तों हमारा ये है, आप देख सकते हो। हाँ गाइज, ये प्रोडक्ट है जो कि मैंने आपको बताया था, कंडेंसर माइक है, आप देख सकते हो। ये कंडेंसर माइक है और ये जो है खास क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात है, सबसे बड़ी बात जो है वो दोस्तों है YouTube पर आप जितने भी दोस्तों कंडेंसर माइक देखते हो वो BM800 सीरीज का है, बट ये कुछ खास है वो मैं बताऊंगा। दोस्तों प्राइस आपको उसी के बराबर ही है, लाइक कई कई जो सेलर्स है वो इसके माइक का जो प्राइस है वो काफी हाई बताते हैं। जो BM800 या फिर WR800 का सीरीज है उसकी माइक की बात कर रहा हूँ, तो उसका जो प्राइस है कभी को बार आपको हाई मिल जाती है और कभी कभार आपको लो भी मिल जाती है। बट मैंने ये बड़ी ही किफायती दाम में परचेस किया है, ऑनलाइन परचेस किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो अभी हम जो है वीडियो के अनबॉक्सिंग में इसकी जो प्राइस है उसके बारे में भी जानेंगे और ये खास क्यों है हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों ज्यादा जो है वक्त को बर्बाद ना करते हुए हम सीधे इसके अनबॉक्सिंग वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। आप लोग देख सकते हो हमारा कंडेंसर माइक्रोफोन यहाँ पर आ चुका है। इसका कवर जो है जो अमेजोन से पैकिंग आई थी वो हमने हटा दिया है, बट अभी भी जो है अनछुआ ही है ये। छू तो लिया है बट कोई दिक्कत नहीं यार, आप लोगों के लिए तो नहीं है। तो गाइज ये माइक्रोफोन खास क्यों है वो जरा मैं आपको बताऊँगा अभी वीडियो को चलते दौरान। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर कंडेंसर माइक्रोफोन लिखा हुआ है और इसके साथ भी लिखा हुआ है दोस्तों इंटरनेट कैरी ओके पीसी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग ETC। तो आप ये सब तो कर ही सकते हो और भी बहुत कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। और यहाँ आप देख सकते हो कि एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ वॉइस एंड म्यूजिक प्रोफेशनल। मैं गाइज मैंने चेक किया है इसको और आप लोगों को भी करवाऊंगा मैं, इसकी जो क्वालिटी है वो वाकई में बहुत अच्छी है। और अभी चलिए बाद बाकी पीछे गाइज कुछ नहीं है, वही है सेम चीज़ है पीछे। तो अभी जो है हम अभी इसको खोलते हैं फिर देखते हैं हमें अंदर क्या देखने को मिलता है। सो गाइज चलिए हम अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसका क्या कलर। हाँ गाइज एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिल्वर, तो ये सिल्वर कलर है। और ये जो है हम देखते हैं अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो गाइज अंदर जो है देखिए हमें कुछ मेमो देखने को मिला, मेमो तो नहीं इंस्ट्रक्शन देखने को मिला है, गाइड देखने को मिला। इसमें जो है इस पूरे माइक्रोफोन के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। अगर आप लोग कभी खरीद इसको तो आप लोग जो है देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो चलिए अभी हम इसको साइड में रखते हैं, अभी इसका कोई काम तो नहीं है। और गाइज ये जो चीज़ है ये बिल है, इसको भी हम साइड में रखते हैं, जब हमें रिटर्न विटर्न करने का कोई दिक्कत आती है तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर ये केबल है जो हमें मिला है, इसको हम यहाँ रखते हैं साइड में। और ये चीज़ गाइज क्या है, ये है गाइज स्प्लिटर। आप लोग अगर इस फील्ड में हो तो आपको पता होगा किस काम में आता है, और नहीं पता फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। गाइज ये आता है 3.5 mm जैक के साथ, तो आप इसको अपने 3.5 mm जैक में लगाइए और इसमें गाइज आप डालिए अपने माइक्रोफोन का जो केबल है वो, और इसमें अपने ईयरफोन का। ये गाइज सिंगिंग में काम आता है वैसे नॉर्मली, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। और हमें गाइज यहाँ देखने को मिलता है ये इसका शॉक माउंट, तो ये भी हम यहाँ साइड में रखते हैं। एंड गाइज ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पर फिल्टर। गाइज इसको क्या फिल्टर कहते हैं मुझे नहीं पता, बट ये फिल्टर है, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। और गाइज हमारा जो मेन कॉम्पोनेंट है वो है गाइज हमारा माइक। अभी गाइज इसकी खासियत मैं बताऊंगा, मतलब ये क्यों इतना मैं खास बता रहा हूँ तो मैं वो आपको बताऊंगा। तो गाइज ये हमारा बॉक्स है, इसका मैं कोई काम नहीं है, तो हम इसको जो है साइड में रख देते हैं। तो गाइज हमें टोटली जो है ये प्रोडक्ट मिला है, अभी मैं आपको दिखाता देना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये हमें प्रोडक्ट गाइज टोटली मिला है, ये चार चीज़ हमें इस बॉक्स के साथ मिला है। तो एक एक करके मैं गाइज आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। इसकी जो क्वालिटी है गाइज ये काफ़ी डिसेंट है, मतलब ये काफ़ी थिक भी है, तो आपका जो मुँह से जो एयर निकलता है जो लाइक धा या फिर फा ये सब वाली जो आवाज़ है तो ये रोक लेता है और आपको एक क्रिस्टल क्लियर आवाज़ देता है। तो इसको जो भी हम साइड में रख देते हैं अभी। और ये जो शॉक माउंट है गाइज आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा मैं शॉक माउंट को, तो ये जो शॉक माउंट है गाइज ये पन्नी है, इसको हम फेंक देते हैं साइड में। तो ये जो शॉक माउंट है गाइज ये काफ़ी अच्छा है, मतलब इसका जो ये है लाइक ये प्लास्टिक नहीं है गाइज, ये प्लास्टिक से कुछ और ही है, लेकिन भारी भी है, तो मुझे लगता है शायद ये कोई एक मेटल अलॉय है। तो और इसकी जो गाइज कॉर्डिंग है ये भी काफ़ी अच्छी है और ये यहाँ तक भी गाइज काफ़ी अच्छा है। तो अभी गाइज हम इसको रखते हैं साइड में, तो इसका भी हमने देख लिया तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। एंड गाइज जो केबल है, केबल के बारे में मैं जरा आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए ये जो फीमेल वाला है
और ये 3.5 mm का जैक यहाँ आपको मिल जाता है। तो इसी केबल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ये गाइस फीमेल है, यहाँ पर ये जो है फीमेल साइड है ये, तो ये वाला जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये आई थिंक एलॉय है ये भी, या फिर मेटल है समथिंग जो भी है। और ये 3.5 का जैक है गाइज। इस केबल की क्वालिटी गाइज ठीक ठाक, लाइक डिसेंट क्वालिटी है इस केबल की, तो मैं कह सकता हूँ कि ये ठीक ठाक ही है। तो इसको भी हम थोड़ा भी साइड में रखते हैं, और अभी हम बात करते हैं अपने माइक की, जो मेन कॉम्पोनेंट है हमारा वो। तो गाइज आप देख सकते हो ये जो माइक है, तो आप थोड़ा सा इस माइक को पढ़िए। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं BM 900 माइक। जी हाँ दोस्तों, यही इसकी खासियत है जो मैं आपको बता रहा था इतनी देर से। ये खास यूं इसलिए है क्योंकि गाइज अभी तक यूट्यूब पर BM 900 का कोई भी रिव्यू नहीं है, लाइक कोई भी अनबॉक्सिंग नहीं है। ये जो है गाइज न्यू सीरीज का माइक है। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे BM 800 या फिर BM का 800 700 या फिर WR का 800। तो ये माइक गाइज BM 900 न्यू सीरीज माइक है, जो कि अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। और इसकी जो कुछ स्पेसिफिकेशन है वो भी गाइज काफ़ी अच्छी है। तो आप देख सकते हो गाइज ये सिल्वर कलर में है ये माइक, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है गाइज ये काफ़ी अच्छी है। आप आवाज़ सुन सकते हो, ये इसका जो ग्रिल है, ग्रिल का आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, और बिल्ड क्वालिटी गाइज मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये सॉलिड भी है, और इसमें एक फील आता है गाइज अगर आप माइक लाइक चीप क्वालिटी के आप माइक भी खोजते हो, बट आपको ये काफ़ी अच्छा सा फील देता है। तो अभी देख सकते हो गाइज यहाँ पर जो ये इसका जो पोर्ट है ये काफ़ी अच्छा है। लाइक अभी जैसा आप इस्तेमाल करोगे आप उसी हिसाब से आपका चलेगा। गाइज अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका अंदर का दिखाऊं, तो अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर जो इसका पोलर जो इसका माइक है, जहाँ पर मेन जो माइक है जहाँ से आवाज़ कैप्चर करता है, तो वो है गाइज। मैंने जो है अपने पर्सनली इस माइक को जो है रिव्यू किया है, लाइक मैंने इसकी आवाज़ सुना है गाइज, इसकी आवाज़ काफ़ी डिसेंट है। बट इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ आप को मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ। अगर इस वीडियो में गाइज 100 लाइक के आसपास मेरे को मिल जाते तो गाइज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस माइक का जो है रिव्यू, इसका जो टेस्ट है, अलग अलग साउंड क्वालिटी टेस्ट है, वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो गाइज मैं एक चीज़ आपको और दिखा देना चाहता हूँ हल्का सा, कि ये जो है कैसे इंसर्ट करते हैं। गाइज देखो यहाँ पर जो है आपको केबल का ये दिख रहा होगा, यहाँ पर इसको आपको प्रेस करना है। और माइक पे भी गाइज यहाँ पर जो एक होल दिख रहा है आपको, ये वाला होल, आपको इसके बराबर में जो है इसको ऐसे डालना होता है। गाइज ये जस्ट मैं नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, अगर आपको इनकेस नहीं पता हो। और ये ऐसे लग जाता है, फिर आपको जब निकालना है तो भी गाइज आपको ऐसे करके यहाँ पर इसको ऐसे खोल लेना होता है। तो गाइज बस ऐसे निकल गया। बस गाइज आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते वक्त ये ध्यान रखिए, सावधानी बहुत रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ नाजुक होती है। अगर आप लोग इसको ड्रॉप कर देते हो तो आप लोगों के लिए ही दिक्कत है, क्योंकि ये टूट सकता है। फिर इसके बाद गाइज चाइना में थोड़ी आपका माल जाएगा यार ठीक होने के लिए। तो गाइज उम्मीद करूंगा कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज ये मैं आपको फाइनली एक और बार दिखा देता हूँ कि हमें क्या क्या मिला है। तो आपको बस एक दिखा रहा हूँ कि हमें क्या मिला है बॉक्स के साथ। ये गाइज अब जो है मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। तो गाइज इसका प्राइस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ मेंशन करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज ये जो प्राइस है, यहाँ पर आपको 1307 रुपीज़ दिख रहा है। इसमें गाइज 80 रुपीज़ जो है डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूडेड है, बट मैं आपको बताऊँ ये मुझे पड़ा है 1290 रुपीज़ का। तो अब गाइज कोई कोई सेलर क्या होता है बी एम 800 का ही इस प्राइस पे बेचते हैं। तो गाइज ये BM 900 का न्यू सीरीज है, तो मैं आपको यही जो है प्रेफर करूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोग परचेस कर रहे हो, मैं वैसे लिंक दे दूंगा इसका नीचे, बट अगर आप लोग परचेस कर रहे हो तो आप ये वाला परचेस करो, क्योंकि गाइज ये न्यू क्वालिटी का है, न्यू सीरीज का है, तो गाइज इसकी एडवांटेज भी आपको जरूर मिलेगी। तो गाइज आज की वीडियो में था इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना। तो गाइज मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।